गुड आफ्टरनून गर्ल्स, आज मैं आपको वीव्स के बारे में बताऊंगी कि वीव्स जो होती हैं उसका ड्राफ्टिंग एंड लिफ्टिंग प्लान क्या होता है। सबसे पहले मैं प्लेन वीव बताऊंगी। प्लेन वीव के लिए इसको ड्राफ्टिंग लिफ्टिंग प्लान इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमें लूम पे लूम को तैयार करना होता है तो हम उसी हिसाब से अपने हार्नेस अरेंज करते हैं कि हमें कितने हार्नेस चाहिए। एक प्लेन वीव बनाने के लिए हमें ये इंडिकेट करता है कि ये वाला यान अप है, ये वन डाउन वन अप, वन डाउन वन अप, वन डाउन वन अप। नेक्स्ट रो में जो इसके ऊपर वाला है वो डाउन, नेक्स्ट अप, डाउन अप, डाउन अप। इस तरह से ये वन बाय वन प्लेन वीव है। इसके बाद हम इसकी एक वेरिएशन बताएंगे आपको, ठीक है? ये क्लियर हो गई सबको। नेक्स्ट इज वेरिएशन, दैट इज बास्केट वीव। बास्केट वीव होती है जैसे हम कोई बास्केट देखते हैं बुनी हुई, उसमें उसके लिए हम ऐसे सिमिलर ड्राफ्टिंग लिफ्टिंग प्लान रखेंगे। बस इसमें पेयरिंग होती है, पेयरिंग टू टू की भी हो सकती है, थ्री थ्री की भी हो सकती है, फोर फोर की। जैसे टू अप टू डाउन, टू अप फिर से टू अप टू डाउन टू अप, ये आपका क्या बन गया, एक तरह का बास्केट वीव, ठीक है? अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये टू डाउन टू अप, फिर टू डाउन, फिर टू डाउन टू अप, ऐसे। नेक्स्ट ये आपका फिर से बास्केट बन गया, तो दिस इज कॉल्ड टू बाय टू बास्केट वीव। नेक्स्ट आई विल शो यू ट्विल वीव। ट्विल वीव इज बेसिकली इंडिकेटेड बाय डायगोनल लाइंस, आइदर दिस वे। ये डेनिम्स में, मेंस सूटिंग्स में होती है। इसके लिए क्या करेंगे हम, सपोज करो थ्री अप वन डाउन, थ्री अप वन डाउन। अब हमें जहाँ से पहला अप था उसको डाउन रखना है, फिर हम करेंगे थ्री अप वन डाउन, थ्री अप। ये आप नेक्स्ट जाएंगे, हम इसके ऊपर वाले को ब्लैंक छोड़ते हैं, इससे नेक्स्ट को थ्री अप करते हैं, फिर इसके ऊपर वाले को छोड़ेंगे थ्री अप करेंगे। यहाँ पे क्योंकि हमें वन डाउन रखना है तो यहाँ पे हमारा फिर से अप आएगा। ये है, ये वाली रो हमारी चल रही है, इसके ऊपर ये वाला ब्लैंक, ऐसे थ्री अप, फिर इसको छोड़ेंगे ऊपर वाले को, फिर ये थ्री अप, देन अगेन इसको छोड़ देंगे, फिर थ्री अप, ठीक है? इसी को अब हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वन डाउन हो गया तो ये वाला अब हमारा अप होगा। यहाँ पे अब हम डायगनल चल रहे हैं तो ये देखो, अगर मैं आपको इंडिकेट करूं तो ये देखो, ये आपका इस तरह से जा रहा है। क्योंकि ये हमारा राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो ये हमारी हो गई थ्री बाय वन राइट हैंड साइड ट्विल्व वीव। इसी तरह से हम इसको टू बाय वन, थ्री बाय टू, कोई भी वेरिएशन बना सकते हैं। अगर हम इस जो डायगनल लाइंस हैं उनको इस डायरेक्शन में शो करें, मतलब हम डायगनल लाइंस के लिए इधर बनाएं, तो वो लेफ्ट हैंड साइड 12 बन जाएगा। आई विल शो यू वन एग्जांपल।
टू बाय वन का। टू बाय वन अगर हम यहाँ से शुरू करें, टू अप वन डाउन, टू अप वन डाउन, टू अप, इसको छोड़ देंगे हम इसके ऊपर वाले को, ये टू अप वन डाउन टू अप, अगेन वी विल लीव दिस, टू अप वन डाउन टू अप, अगेन ठीक है। अब आप देखें तो ये डायगनल्स हमारे इस डायरेक्शन में, तो ये हमारी हो जाएगी टू बाय वन लेफ्ट हैंड ट्वेल्व वी। नेक्स्ट आई विल शो यू सैटन वीव। सैटन वीव होती है जिसमें फ्लोट्स थोड़े लॉन्ग होते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं, सैटन वीव के लिए हमें मिनिमम 5 हार्नेस चाहिए होते हैं। हार्नेस आपको पता है प्लेन वीव में हमें 2 चाहिए, इसको करने के लिए हमें अलग चाहिए, तो सैटन वीव में हमें मिनिमम 5 शैफ्ट्स या 5 हार्नेस की ज़रूरत पड़ती है। 5 का बनता है, 7 का बनता है, 9 का बनता है, जो सैटन बनता है। इसमें हम क्या करेंगे, हम सेंटर में एक ले लें। अगर हम 5 शैफ्ट बना रहे हैं, इसको बोलेंगे 5 शैफ्ट शैफ्ट सैटन वीव। इसको इजीली समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं, इधर हम 3 मूव करेंगे, इधर हम 2 मूव करेंगे। तो मैंने ये सेंटर में लिया एक, अब मैं यहाँ पे 3 जाऊँगी, 1 2 3, ओके 1 अप हो गया। फिर मैं इसको दोबारा से काउंट करूँगी 1 2, बिकॉज मुझे इधर 2 जाना है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा है। अब दोबारा से इसके ऊपर जब मैं इधर जाऊँगी 1 2 3 छोड़ूंगी, देन नेक्स्ट। अब यहाँ से ये देखो ऑटोमेटिकली ठीक आएगा, इसके हमें 2 जाना है इस डायरेक्शन में, तो ये 2 आ गया। नेक्स्ट यहाँ हमें 3 जाना है, 1 2 3, 1 2, नेक्स्ट 1 2, 1 2 3, यहाँ नहीं आ पाएगा, 1 2, इधर। और इसका जो 5 शैफ्ट वाला होगा, इसमें बीच में फ्लोट का रन होगा 4 का, 1 2 3 4, हर एक में आप देखेंगे सेम आएगा। आप इसको अपने आप टेस्ट कर पाएंगे कि हमें, क्योंकि यहाँ भी स्पेस नहीं है, ये देखो ये लॉन्ग फ्लोट्स होते हैं, इसी की वजह से सैटन वीव के फैब्रिक में शाइन बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से हम इसमें एक और बना सकते हैं, वो होगा 7 शैफ्ट, सेवन शैफ्ट के लिए फिर से मैं सेंटर में एक सेंटर में मार्क कर लें। अब हमें जब 7 शैफ्ट बनाना है तो हम 4 और 3 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब 4 इस तरफ और 3 इस तरफ, 1 2 3 4, 1 2 3, सबको समझ आ गया। ये दोनों में कॉमन रहता है, इसके ऊपर वाला 1 2 3 4, देखो अब ये ठीक आएगा, 1 2 3 ऑटोमेटिकली ठीक आएगा अगर आप उसको ठीक से बनाते जाएंगे। अब यहाँ से देखें 1 2 3 4, यहाँ पे जगह अगर हम इसको एक्सटेंड हो जाएगा, जब फैब्रिक वीव होता है तब तो बहुत सारे होते हैं ना यहाँ, 1 2 3, देखिए 1 2 3 यहाँ नहीं आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3, अब इनके बीच में शैफ्ट में कितना डिफरेंस रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका फ्लोट होता है लॉन्ग फ्लोट। तो ये हमारा हो गया सैटन वीव। आई होप सबको ड्राफ्टिंग लिफ्टिंग प्लान क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच।